लेट्स टू क्वेश्चन नंबर टेंथ ऑफ एक्सरसाइज थ्री बी दैट इज इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर टेंथ इज सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है तो हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन है टू एक्स माइनस थ्री वाई अपॉन फोर इक्वल्स टू थ्री एंड सेकेंड इक्वेशन है फाइव एक्स इक्वल्स टू टू वाई प्लस सेवन तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे चलिए करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन है टू एक्स माइनस थ्री वाई अपॉन फोर इक्वल्स टू थ्री और सेकेंड इक्वेशन है हमारी फाइव एक्स इक्वल्स टू टू वाई प्लस सेवन अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पे अपॉन में तो क्या करेंगे एल सी एम ले लेंगे जिससे कि ये इक्वेशन नॉर्मल हो जाए तो हमने एल सी एम लिया फोर अब इस फोर की मल्टीप्लाईज टू के साथ तो फोर इंटू टू एक्स माइनस थ्री वाई ईक्स टू थ्री तो ये आ गया एट एक्स माइनस थ्री वाई अपॉन फोर इक्वल्स टू थ्री अब ये फोर इधर चला जाएगा तो ये आ गया एट एक्स माइनस थ्री वाई ईक्स टू थ्री फोर तो ये आया एट एक्स माइनस थ्री वाई टू ट्वेल्व ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन आप देखिए यहाँ पे है फाइव एक्स इक्वल्स टू टू वाई प्लस सेवन अब हमने फाइव एक्स माइनस का टू वाई कर दिया क्योंकि वाई हमारा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा इक्वल्स टू सेवन ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन तो हम इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे यह आया एट एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व ये आ गई थी हमारी थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन आई थी फाइव एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू सेवन ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आई थी अब आप देखेंगे कि दोनों के ही अगर एक्स के कॉफिशेंट्स देखें तो दोनों अलग हैं और कुछ भी कॉमन नहीं है इसी तरीके से y के कॉफिशंट्स देखें तो दोनों अलग हैं कुछ भी कॉमन नहीं है तो y की टर्म्स जो हैं y के कॉफिशंट जो हैं वो छोटे हैं तो मैं y के कॉफिशेंट्स को ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर देती हूँ मतलब ये फोर्थ इक्वेशन का में जो y का कॉफिशियंट है टू उसकी थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देती हूँ और थर्ड इक्वेशन का जो y का कॉफिशियंट है थ्री उसकी फोर में मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाइड बाय टू एंड मल्टीप्लाइड बाय थ्री तो हमने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय टू एंड इक्वेशन फोर बाय थ्री तो ये कितना आ गया टू एज सिक्सटीन ये क्यों किया कौन सा मेथड है ये मैं ऑलरेडी काफ़ी वाली काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ और मैं अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बता चुकी हूँ लेकिन मैं फिर बता रही हूँ ये हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं जब भी हमारे कॉफिशेंट्स अलग होते हैं तो हम इसको इक्वलाइज करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तो ये आ गया सिक्सटीन एक्स माइनस थ्री टू जो सिक्स वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर और ये आया फिफ्टीन एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी वन आप देखेंगे आप सिक्स वाई सिक्स वाई कॉफिशन तो सेम आ गया लेकिन साइन क्या है साइन भी सेम है तो हम डिफरेंट करने के लिए साइन चेंज कर देंगे नीचे वाली टर्म के तो इसका आ गया माइनस इसका आ गया प्लस और इसका आ गया माइनस तो ये कैंसिल हो गया एक प्लस का एक माइनस का अब 16 प्लस का है और 15 माइनस का है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लगेगा इसी तरीके से 24 और 21 वन ऑपोजिट साइन है और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लगेगा तो क्या आ जाएगा ये 16 में से 15 गया एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी में से 21 गया 3 तो x की वैल्यू आ गई 3 नाउ पुटिंग x equals to थ्री in equation third तो यह आ गया हमारा 8 into थ्री minus थ्री वाई ईक्स टू तो यह आया 24 minus माइनस थ्री वाई ईक्वल्स तो minus थ्री कितना आया 24 दूसरी साइड चला गया तो माइनस का हो गया तो माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व आ गया माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो वाई कितना आ गया ट्वेल्व अपॉन थ्री दैट इज फोर तो हमारा क्या आया एक्स आया थ्री और वाई आया फोर इज़ द आंसर